What's up? Welcome back to Unscrambled. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोज़ेक के बारे में. तो यूजुअली जो लोग क्यूब सॉल्व करते हैं उनमें से कुछ लोगों को मोज़ेक्स बनाने का भी शौक होता है. तो मोज़ेक इज नथिंग स्पेशल एज सच, जस्ट बेसिकली कि आप कई सारे रूबिक्स क्यूब को मिला के एक इमेज बनाते हैं. तो एक इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पिक्सल्स. तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इसे जूम करेंगे तो यू वुड बी एबल टू सी कि ये पूरा ब्लर हो रही है, क्योंकि इसके आप पिक्सल्स जो हैं बहुत क्लियरली देख सकते हैं. व्हेन यू विल जूम इट आउट तो ये एक इमेज बन जाती है. तो वही चीज़ हम रूबिक्स क्यूब के साथ कर सकते हैं. इसके ये जो 9 स्क्वायर्स हैं इनको हम पिक्सल्स मान के कई सारे रूबिक्स क्यूब मिलाएंगे तो ये 9 जो ये पिक्सल्स हम मान रहे हैं ये कंबाइंड होके एक इमेज बना सकते हैं. सो दिस इज व्हाट रूबिक्स मोज़ेक इज. और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इस मोज़ेक को किस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं. तो बस वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, सो बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि ये क्यूब मोज़ेक थोड़ा महंगा शौक है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्यूब्स चाहिए होते हैं. बट ये बात है कि आपको इसमें कोई स्पीड सॉल्विंग नहीं करनी होती तो आप सस्ते से सस्ता क्यूब भी खरीद के मोज़ेक बना सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो अ पर्सन नेम्ड पृथ्वी जो कि इंस्टाग्राम पे अपने क्यूब्स के मोज़ेक्स की पिक्चर शेयर करते हैं जो कि बहुत अमेजिंग होती हैं. वो बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं उन मोज़ेक्स को बनाने में. उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है. तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी. अगर आप उनको फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ डू, क्योंकि वो आपको मोज़ेक्स के लिए काफ़ी सारी टिप्स भी दे सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आई हैव टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो टुडे. सो पहले मुझे मोज़ेक्स को देख के काफ़ी इंटिमिडेटिंग सा लगता था कि इतनी सुंदर पिक्चर्स रूबिक्स क्यूब पे कैसे बना लेते हैं, मतलब हाउ डू दे प्लान द कलर्स कि कौन सा कलर कहाँ पे आना चाहिए. पर अब एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू मी एंड मुझे बहुत आसान लगने लगा है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड मोज़ेक प्लस द वेब, जिसे आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो यस इट्स देयर. तो अब ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पूरा मोज़ेक प्लान कर सकते हैं. इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप इसमें खुद पढ़ पढ़ के आगे कर सकते हैं. बट आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. दो चार चीज़ें जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज द ओरिजिनल इमेज. अगर आप छोटी से छोटी साइज की इमेज लेंगे तो वो आप कम से कम रूबिक्स क्यूब में बना सकते हैं. वेयर इन अच्छी एकदम क्लियर मोज़ेक बनाने के लिए आपको बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन में द नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ऑफ योर ओरिजिनल इमेज शुडंट बी लेस देन द नंबर ऑफ स्टिकर्स क्यूब्स 9. सो बेसिकली वही 9 वाला जो मैंने आपको बताया वो. और हाउ एवर प्रोवाइडिंग वेरी लार्ज इमेजेस इज नॉट वेरी हेल्पफुल एंड बी रियलिस्टिक, फॉरगेट द ओवर व्हाटएवर 16 million कलर्स ऑफ द टाइनी पिक्सल्स ऑफ योर स्क्रीन, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 कलर्स हैं एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू मेक द मोज़ेक विथ. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. इसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा डार्क कलर्स ना हो, जो कि आपके ब्लैक या ब्राउन कलर के जो इमेजेस होते हैं उस तरह की इमेज आप ज़्यादा चूज़ ना करें, क्योंकि वो कलर्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं मोज़ेक में बनाने में. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. और बाकी अगर आप इफ़ यू आर गुड इन एडिटिंग तो आप कोई सी भी पिक्चर निकाल के एक मोज़ेक फ्रेंडली उस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं. देन यू कैन जस्ट गो अहेड. अगर आप किसी पिक्चर के बारे में यू आर वेरी पर्टिकुलर, यू वॉन्ट अ स्पेसिफिक पिक्चर, तो अभी यहाँ पे हमें जिस भी पिक्चर का मोज़ेक बनाना है वो पिक्चर हमें यहाँ पे लानी है. तो उससे पहले एक बार लेट्स सर्च फॉर द इमेज. So now let's see, we can just type portrait here, portrait images, and let's see what do we get. So here, this is more close. So let's see agar hum inka mosaic bana paaye. So for that, let's just save this image. Let's go back to this site and let's import this image here. Now this is here, right? But before I talk ahead, let's see the size of this image. Ek bar. So yahan pe, yes, 33 KB ki hai, which is a decent size, and ye 560x700 pixels. तो 560x700 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 392,000. और अगर आप इसको वो 9 पिक्सल्स यानी कि फेस पे जो 9 पिक्सल्स हमने डिसाइड किए हैं उससे डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 43,555. दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे
ये नंबर ऑफ क्यूब्स आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं. अगर आप यहाँ पे 43,555 डालेंगे तो आई टेल यू द डिफरेंस, बट फिलहाल के लिए आप अगर इसको 1000 क्यूब से बनाएं इस इमेज को रूबिक क्यूब में विद इट्स ओरिजिनल कलर, ये जो 6 ओरिजिनल कलर हमारे क्यूब में होते हैं, यहाँ पे आपके पास इन कलर्स को चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, बट दैट विल टॉक अबाउट लेटर. तो अभी यहाँ पे एक सिंपल स्टेप्स में चलते चले जाएं, मिनिमम 1000 क्यूब लेके हम इस अगर इमेज का मोजैक बनाएंगे, सो दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. इट्स गुड, इट्स विजिबल, बट उतनी क्लैरिटी नहीं है. तो यहीं पे ये पिक्चर का खेल पूरा आता है. अभी पहले इसको आप छोटा करके यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं. अब यहाँ पे पिक्चर का जो पिक्चर के साइज़ का जो खेल है वो ये है कि आपका जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ना उतनी ज़्यादा डिटेल्स आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं. बट उसका नुकसान रूबिक्स क्यूब में ये है कि आपको, मतलब रूबिक्स क्यूब के मोजैक बनाने में ये है कि आपको बहुत सारे रूबिक्स क्यूब चाहिए होंगे, बहुत सारे. तो जस्ट जो मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन बताई कि 550x700 का जो इसका पिक्सल है, अगर आप उसकी वो कैलकुलेशन करें तो हमें 43,555 क्यूब लगाएंगे अगर हम यहाँ पे, तब आप देखना कि कितना क्लियर ये जो मोजैक है ये बन के आएगा, क्योंकि हम उतने नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पे लगा रहे हैं. सी नाउ दिस वुड बी मच क्लियर, दिस इज हाउ क्लियर इट इज, लुक्स ब्यूटिफुल राइट. बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, एक एक डिटेल आप इस पे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना. बट नाउ एक बार अब हम अगर कलर चेंज करने की बात करें यहाँ पे, अब ये सारे कलर्स हम यहाँ पे रहने देते हैं. लेट्स चेंज ग्रीन विद ब्लैक हियर, लेट्स सी हाउ इट गोज. So this is what the option is for changing the colors. तो आप जैसी इमेज है उस हिसाब से कलर्स को चेंज करके यहाँ पे बना के देख सकते हैं. It's so beautiful. आप ये पूरी चीज़ अब क्यूब्स में उतार सकते हैं. So वो कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ अगले स्टेप पे जाने से पहले. But of course 43,000 is a huge number of cubes. तो पहले हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं. Let's make it with 5,000 only. Now let's see how it looks. It's still better, right? Amazing दिख रहा है. तो अब हम देखते हैं इसको कैसे बनता है. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर का बता दूं. ये यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको 5000 में से आप 4,977 क्यूब यूज करेंगे जिसमें ये पिक्सल्स आएंगे. अगर आपको कोई यहाँ पे चेंज करने हैं कलर्स तो आप वो भी कर सकते हैं. और इधर ये पूछा गया कि कैन आई स्किप सेटिंग द कलर्स, तो यू कैन, वेल यू कैन, बट यू शुडंट. डेफिनेटली टेक अ फ्यू मिनट्स टू ट्विकिंग द कलर्स इज समथिंग दैट यू विल अप्रिशिएट लेटर, राइट. Now let's move on to the next step, which is selecting your cube. तो यहाँ पे आप 3x3, 5x5, 7x7, 6x6, 4x4 किसी भी साइज से बना सकते हैं. But there is a challenge जो मैं आपको भी थोड़ी देर में अलग सेलेक्ट करके बताऊंगी. यहाँ पे बनाते ही 3x3 क्यूब से ही हैं, बट उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देते हैं अगर आप कोई और साइज़ की क्यूब चूज करते हैं. तो जैसे हम अभी 3x3 क्यूब भी कर रहे हैं. You are almost done. Only a few more settings and you will have your mosaic assembly guide in your hands. So let's go. Now this is the best part. ये मुझे बहुत amazing लगा. It's very very easy. यहाँ पे ये आपको step by step बताएंगे कि आपको अपनी कौन से cube में क्या face पे क्या color रखना है, कैसे रखना है, जिससे आपका ये mosaic बन के तैयार हो जाए. So see, ये mosaic आप बनाने वाले हैं इधर, ठीक है. और यहाँ पे 568 पेज का ये पूरा गाइड है, जहाँ पे पहले आपको लेफ्ट से आप स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है वो आप इन 9 क्यूब से बनाएंगे. तो यहाँ पे ये 9 क्यूब हैं 3x3x3 की. अब यहाँ पे आपको कॉर्नर्स में ऑरेंज कलर रखना है, सेंटर में ऑरेंज रखा है और एजेस वाइट होने हैं. तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है. फिर उससे अगले स्टेप पर बढ़ रहे हैं, देन उसके अगले स्टेप पे इधर बढ़ रहे हैं. एंड दैट्स हाउ यू विल अरेंज योर क्यूब. तो आप फेस का कलर इस तरह से बना देंगे जो यहाँ पे बताया हुआ है. अब ब्लैक मैंने कर तो दिया, बट इट्स रियली रेयर, हार्ड टू फाइंड ब्लैक कलर क्यूब. तो वो चीज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग है. तो उसके लिए अगर आप नहीं करते तो ग्रीन रख सकते थे, तो वो थोड़ी अलग इमेज दिखती, राइट. सो यस, दिस इज इट. अब ये पूरा यहाँ पे ब्लैक हो गया है क्योंकि ये वाला पार्ट ही कवर कर रहा है. सो इफ आई स्क्रॉल इट डाउन एंड लेट्स सी, अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ब्लू इन्वॉल्व है थोड़ा सा, वो यहाँ पे आ रहा है. दिस इज व्हाट इट इज.
सो अब इसी में अगर आपको ये जो इसके क्यूब्स चेंज करने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि 7x7 चूज करके दिखाऊं, तो ये 3x3 क्यूब ही यूज करेंगे, बट 7-7 क्यूब एक साथ यूज करके आपको बता देंगे कि ऐसे आप 7-7 क्यूब लगाइए। तो अभी हम वो छोटा छोटा 3x3 क्यूब के प्रस्पेक्टिव से देख रहे थे, छोटा छोटा सा, अब यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा पार्ट कर दिया है। तो दिस इज हाउ दे आर टेलिंग यू कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर एंड 7 इधर, ये इस तरह से इसका डायमेंशन चेंज कर देते हैं, बट रखते 3x3 क्यूब ही हैं। सो 3x3 क्यूब से ही ये मोजैक बनेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वेल, आई वुड लाइक टू थैंक माई कलीग हरीश जिसने मुझे इस वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने आपको ये बताया। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है। अगर लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए प्लीज। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, सी या।